मशहूर फिल्मेकर यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का हुआ निधन। 74 साल की उम्र में ली अंतिम सांस रानी मुखर्जी के ससुराल में पसरा मातम। एक बार फिर गम और शोक की लहर में डूब गया है बॉलीवुड। बॉलीवुड के दिवंगत फिल्मेकर यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का निधन हो गया है। पामेला चोपड़ा के निधन की खबर से पूरे बॉलीवुड में मातम पसर गया है। आपको बता दें कि पामेला चोपड़ा यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा और एक्टर उदय चोपड़ा की मां थी। वो बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की सास भी थी। पामेला चोपड़ा ने 74 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। यशराज फिल्म्स ने एक भावुक पोस्ट लिखकर पामेला चोपड़ा के निधन की पुष्टि की है। पोस्ट में बताया गया है कि आज सुबह 11 बजे के करीब पामेला चोपड़ा का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पामेला का निधन उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से हुआ है। वो पिछले 15 दिनों से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था, लेकिन उनकी तबीयत और बिगड़ती चली गई और फिर गुरुवार 20 अप्रैल की सुबह उनका निधन हो गया। पामेला चोपड़ा के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। पामेला चोपड़ा ने यश चोपड़ा से 1970 में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शादी की थी। दोनों ने अरेंज मैरिज की थी। पति यश चोपड़ा की मौत के 11 साल बाद अब पामेला चोपड़ा भी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पामेला चोपड़ा रिश्ते में करण जौहर की मामी लगती थी। करण की माँ हीरू जौहर यश चोपड़ा की छोटी बहन है। ऐसे में सिर्फ चोपड़ा परिवार ही नहीं बल्कि जौहर परिवार के लिए भी ये मुश्किल और दुख की घड़ी है। उनके निधन की खबर से रानी मुखर्जी के ससुराल में मातम पसर गया है। पामेला चोपड़ा के निधन से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि हरदिल अजीज पामेला चोपड़ा बॉलीवुड में सभी की चहेती थी। इंडस्ट्री में उन्हें सभी प्यार से पैम कहकर बुलाते थे। यश चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस को बुलंदियों पर पहुंचाने में पामेला चोपड़ा का बड़ा योगदान रहा था। पामेला चोपड़ा ने कभी कैमरे के सामने तो काम नहीं किया, लेकिन कैमरे के पीछे रहकर यश चोपड़ा की कई फिल्मों में अपने हुनर का उन्होंने दमखम दिखाया और फिल्मों को हिट करवाने में अहम भूमिका निभाई। यशराज प्रोडक्शंस की कई फिल्मों में पामेला चोपड़ा ने बतौर राइटर और ड्रेस डिजाइनर काम किया था। YRF की कई फिल्मों की वो को प्रोड्यूसर भी रही थी। बॉलीवुड स्टार्स की फेवरेट पैम आंटी लाजवाब सिंगर भी थी। यशराज प्रोडक्शंस की कई फिल्मों में पामेला चोपड़ा ने गाने गाए थे। हालांकि उन्होंने कभी दूसरे फिल्म निर्माता या प्रोडक्शन हाउस के लिए सिंगिंग नहीं की थी। पामेला चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन की फिल्म सिलसिला और शाहरुख खान की फिल्म दिल तो पागल है की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। यशराज की डॉक्यूमेंट्री सीरीज द रोमांटिक्स में वो नजर आई थी। इस सीरीज में उन्होंने अपने पति यश चोपड़ा और उनके प्रोडक्शन हाउस यशराज की जर्नी को लेकर कई बातें की थी। साथ ही YRF की लेगेसी पर भी ढेरों बातें की थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।